आपको एक राज्य चलाने का भी अनुभव है, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं दोनों राज्य अपने, कमोवेश एक सी परिस्थितियां आप कह सकते हैं, कई इलाकों में भाषाएं भी बहुत सिमिलर हैं, उदारीकरण के बाद जहां से दोनों राज्यों ने अपनी शुरुआत की आज दोनों राज्य बिल्कुल अलग जगह क्यों दिखते हैं, आपका अपना क्या इसका विश्लेषण है, क्यों बिहार की समस्याएं ऐसी हैं? देखिए बिहार में उत्तर प्रदेश के कंपेरिजन में पहले से भी बेरोजगारी का संकट गहरा था, इसे मैं मानता हूं। बिहार में जो रिसोर्सेज जो होने चाहिए रोजगार सृजित करने के लिए, उत्तर प्रदेश के कंपेरिजन में कुछ कमी पहले से भी रही है, इसे मैं मानता हूं। उस कारण भी यह संकट जो है गहरा रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो सरकारें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार काफी समय तक रही है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट के बारे में बराबर चिंता की है, जिस कारण यह अंतर साफ तौर पर यह दिख रहा है। बिहार के कंपेरिजन में शिक्षण संस्थाएं भी उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक थे, कई सारे विश्वविद्यालय भी वहां पर थे, कई मेडिकल कॉलेजेज वगैरह भी थे। अब जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का लखनऊ का जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से बोलते थे, वहां से निकले हुए डॉक्टर आज आपको दिल्ली की एम्स में भी बड़ी संख्या में मिलेंगे। और केवल दिल्ली की एम्स में ही नहीं, बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं इस हमारे देश के, वहां पर भी हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के। बौद्धिक संपदा के हिसाब से अगर हम बिहार को देख लें तो आईएएस अफसर अधिकारी तो आपको हर दूसरा दिख जाता है, लेकिन आईएएस अधिकारी जो भी बनते हैं तो वहां की बिहार की शिक्षण संस्थाओं में पढ़कर नहीं बनते, उनको जाकर दूसरे राज्य की शिक्षण संस्थाओं में पढ़ना पड़ता है, दूसरे विश्वविद्यालय दूसरे राज्य के विश्वविद्यालय में पढ़ना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा जिसको हम प्रतिभा पलायन कहेंगे ना, आज लोगों को रोजगार तलाश करने के लिए देश के दूसरे राज्यों में मजबूर होकर जाना पड़ता है। और मैं समझता हूं सर्वाधिक लोग देश के दूसरे राज्यों में आज जो रोजगार कर रहे हैं अथवा रोजगार की तलाश में निकले हुए बिहार के लोग हैं, और जिसने भी वहां पर सरकार चलाई है इसे उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो ब्रेन ड्रेन है वो आज की समस्या नहीं है वहां पर, प्रधानमंत्री ने कहा 3.5 साल से ही मैं ठीक से काम कर पाया हूं नीतीश कुमार के साथ, कितना समय और कि बिहार की ये जो मूल समस्याएं हैं, क्योंकि अगर वो टैलेंट वो प्रतिभाएं यहीं रह जाएं, अगर यहीं पर वो अवसर मिल जाएं, तो लोग तो चाहेंगे अपनी जड़ों के पास रहना आपके साथ। बिल्कुल चाहेंगे। कितना समय चाहिए होगा ऐसी ये परिवर्तन? समय तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन 3.5-4 वर्ष के अंदर जो कुछ भी काम हुआ है उसका एहसास तो बिहार की जनता को हो रहा है ना, कि 3.5-4 वर्षों में जहां पर कोई शायद 2-3 इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में रहे होंगे, आज हर जनपद में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, हर जनपद में पॉलिटेक्निक्स खुल गए, 11-12 मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, एम्स खुल गए, यदि 3.5 वर्ष में इतना डेवलपमेंट हो सकता है, इतने सारे काम हो सकते हैं, तो 5-7 साल का समय भी और मिल जाए हमारी यदि गवर्नमेंट को बिहार में सरकार चलाने का, तो स्वाभाविक रूप से जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर हम पूरी तरह से खरे उतरेंगे। आप जिन क्षेत्रों में अब चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, चूंकि अंतिम जो चरण है उसमें उत्तर बिहार का हिस्सा हो जाता है और यहाँ पर बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, आपको लग रहा है लोगों से कुछ सवालों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए सबसे पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस संकट को समझा था, इसीलिए नदियों को जोड़ने का सिलसिला उसी समय से जो है प्रारंभ हुआ था, और इसकी आवश्यकता है, बाढ़ के संकट से भी निजात दिलाई जा सकती है। एक उसके लिए कंप्रिहेंसिव एक प्लानिंग की आवश्यकता है कि कैसे यह निजात दिलाई जा सके, और जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो बाढ़ के संकट से भी बिहार की जनता को निजात मिल सके, इसके लिए भी जो भी आवश्यक कदम होगा वो आवश्यक कदम उठाएंगे। नेपाल से लगती हुई सीमा भी है, रोटी बेटी का रिश्ता हमेशा हम कहते हैं, अभी हाल के दिनों में जो दिक्कतें हुई हैं जिसकी वजह से उतनी आसानी से नहीं आवाजाही लोगों की हो पा रही है, ये भी आप विश्वास दिला पाएंगे लोगों को कि सुलझेगा जल्दी? नहीं, नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य है और नेपाल के साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं, साथ ही रोटी बेटी के भी हमारे रिश्ते उसके साथ हैं, हम बराबर नेपाल के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहेंगे और नेपाल के साथ अपने रिश्तों पर किसी भी सूरत में हम सवालिया निशान नहीं लगने देंगे, हमारी पूरी यही कोशिश होगी। एक रक्षा मंत्री के तौर पर मेक इन इंडिया का जो पूरा कैंपेन आपका चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में हमने देखा है किस तरीके से वो डिफेंस पार्क या AK-47 की फैक्ट्रीज अमेठी में, क्या बिहार को ऐसी चीज नहीं मिल सकती? मुंगेर जो पूरा जिला है वहां पर वो खुद उन कारखानों के लिए, तोपखानों के कारखाने के लिए जाना जाता है,
कितने अवैध रास्ते पर निकल गया वो, क्या उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है? नहीं, सही रास्ते पर लाना ही पड़ेगा, तभी हम जाकर बेरोजगारी के संकट से बिहार को निजात दिला पाएंगे। वहां पर जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध है उन रिसोर्सेज का सही उपयोग करने की जरूरत है। ये योजना है पूरी? हाँ, तो नहीं, अब वह प्लान चेकआउट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और मैं समझता हूँ पिछले 4-4.5 वर्षों में वो प्लान चेकआउट किया होगा बिहार की गवर्नमेंट ने, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। यदि उसमें कहीं पर कमी होगी तो उसको सुधार करेंगे, और पूरा फुल फ्लेज्ड प्लान चेकआउट करके वहां के रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है ताकि रोजगार के नए अवसर सृजित हो सके, और यह कोशिश हमारी सरकार वहां करेगी। चूंकि और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जनता की रुझान जो वहां पर एनडीए के प्रति बढ़ी है, और हम लोगों ने तो दो टूक शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम सरकार वहां बनाएंगे, तो जब लोग तुलना करते हैं इसके पहले के 15 वर्ष का जो नेतृत्व रहा है और उसके बाद का 15 वर्षों का जो श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार रही है, तो लोग इस बात पर तो बहस कर सकते हैं कि नीतीश कुमार ने यह काम किया, यह काम नहीं किया, कुछ और अधिक काम किया है लेकिन कुछ और अधिक कर सकते थे, इस पर तो बहस हो सकती है। लेकिन बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर का भी कोई व्यक्ति किसी भी राज्य का उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार हो, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में सुशील मोदी हैं, उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। कम से कम चारा तो नहीं खाया है नीतीश कुमार ने ना, चिराग पासवान तो उंगली उठा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। उंगली उठाने से क्या होता है, यदि सच्चाई है, यदि आरोप सच्चाई रही होती आरोपों में, तो नीतीश कुमार जी आज बाहर होते हैं और इसके पहले जो नेतृत्व किए हैं आज वो जेल के भीतर हैं। यह हकीकत तो बिहार की जनता समझती है ना।